Mr. Jayant Chaudhary, you want to say something? धन्यवाद सभापति जी. मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा. खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली. ये एक बहुत बड़ा फैसला है. ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा. सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है. मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है. गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है. जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए. उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा. ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है. देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला मैं अपील करता हूँ. आप भी मिस्टर जयराम रमेश यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आपने काम किया. उनका तो आदर कर लीजिए. चुनाव आते जाते रहते हैं. Please sit down. सीट अलॉट होगी तब जाएंगे. Honorable members, one second. Take your seat. First, will you take your seat? Why are you shouting like a commando? नहीं, why are you shouting like a commando? Sit down. Take your seat. Pramod ji, you have a but honorable members. सभापति जी, अगर मेरी बात दर्ज हो रही हो, मैं बात चालू. One at a time, leader of the opposition. Do you want to say? Either control your people or please say something. Shri Mallika Arjun Khadge ji, either control your people or you rise and address the house. I give you two options. What? No. Now sit down. Leader of the opposition is on the floor. No. एक मिनट. One second. But. No. सुनिए. Please. Everyone to Mr. Javadekar. No one will rise. No. Please. Before 1 minute only, sir. When Karpuri Thakur ji was conferred with the highest civilian order, Bharat Ratan, I looked Ramnath ji in the eyes and indicated that we are lucky to have his son here, though Karpuri Thakur did not belong to a family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. I respect him as much as you do, but since you were there, I gave you that opportunity. Similarly, Chaudhary Charan Singh does not belong to one family, but since his grandson is a member of the house, it's a matter of pride for us. Please. Sir, yes, Mr. Mallikarjun Khadge. Mr. Khadge. One second, Mr. Khadge, and I'll plead with you. Should we in this house make a controversy? When आप ही बात कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ. नहीं, आप बोलिए सर. आप ही बैठिए. Please, sir. Hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे,
और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और जो फार्मर्स के बहुत लीडर बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें, उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते चर्चा करते हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ, रूल बताओ, तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट एज एंड व्हेन यू वांट। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अनलेस, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, अरे सब no, के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने आपको नो डोंट मेक पॉलिटिक्स। आई टोल्ड वी सैल्यूट ऑल द पीपल दोज हु हैव वर्क्ड फॉर दिस कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वी सैल्यूट देम। लेकिन द वे हियर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, नाइदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स नॉर यू हैव ब्रॉट दैट एजेंडा फॉर डिस्कशन। वी ऑल कुड हैव पार्टिसिपेटेड डिस्कशन ऑन भारत रत्न गिविंग टू द सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री। आपको एजेंडा भी नहीं है, सो मोटू उठा के बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट गुड, एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो यू शुड फॉलो द रूल। सर कितने खुशी का एक पल है। लीडर ऑफ द हाउस लेट मिस्टर रूपाला से। अध्यक्ष महोदय, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा हमारे गृह में संसद के सभी माननीय सदस्य लोग उठाते रहते हैं, उस पर आप रूलिंग भी देते हैं, उसका सभी सदस्य सम्मान भी करते हैं, अपना बात माने नहीं माने फिर भी अपने मन में आता है तो सदस्य लोग उठाते हैं, और आप और अन्य चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन इवन जब भी चेयर पे होते हैं तो उठाने देते हैं। आज सर सुबह चरण सिंह चौधरी जी को भारत रत्न मिलने का घोषणा उनके पोते जयंत भाई यहाँ उठा रहे थे, पूरे सदन में उसको थपथपा के बधाई देने के मूड में संसद था, और उन्होंने एक बात सही बताई कि ये सदन का मसला नहीं है, पूरे देश के लोगों में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये सहानुभूति का मसला है, और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस सदन में कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है, इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं, मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया, किया किया किया। दूसरा सुनो सुनो हमको सुनो सुनो हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, इस देश में किसान की आवाज को
प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता सर, मुझे बताना है, ये कांग्रेस की बात है, लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए। ये आपके आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। सर आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई, सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। I'll give time, but sir, 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 why? Leader of the people, only leader of the house. I'll give time to everyone, and also reflect what observations have been made against the chair. I have noted. Take your seat. Leader of the party. Honorable Chairman sir, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी ने जो बात आज रखी, हम सब के लिए, पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, हर किसान के लिए, और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं, हम सब के लिए इतनी गर्व की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। माननीय रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं, इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली, घर घर, गांव गांव तक उजागर की, नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया, पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता,
पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान। उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया, शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को बचा पाएगी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया, आज पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है। लेकिन सभी लोग ये शब्द का मैं तीव्र आलोचना करता हूँ, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है, उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज जयराम, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद यू। Seriously, please take your seat. Take it. I am giving floor. They don't want. Mr. Tiwari, they don't want to listen to you. Your people don't want to listen to you. They don't want to listen to you. Now. Sir, thank you, sir. Please, appeal to you. Please observe complete silence. Theek because hai. I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. And don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir. I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. ISRO. Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step. No, I will. हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। Have it from me. सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं, नहीं, देंगे। भारत गांव और किसान में बसता है। एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बोलने तो दे सर। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, क्या है सर? मैं आपकी अनुमति से, मैं आभारी हूँ आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज एक बार हियर खाने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जो कहा गया है उसको रखना चाहता हूँ। हमारे लीडर ने सबसे पहले सलूट किया है उन 3 लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है। Raise your point of order, don't make a speech. सर, सर, सुनिए, इन लोगों ने किया, प्रमोद तिवारी जी, मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या नहीं, कहा? मैं एलओपी की बात कह रहा हूँ। क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर? अरे साहब, जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या? मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। You are a person who can feast on the cremation ground. You can feast it. Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I am from this seat. One second before that, Khadge ji, सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है,
आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं, यू से एनीथिंग यू लाइक, यू डोंट रीड दिस बुक, यू डोंट फॉलो प्रेसिडेंट्स, सर यू यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट मी, समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ टीचर एज इफ आई एम अ स्टूडेंट. नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है. आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है. एक 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 सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए, सुनिए, यू कैन रेज इट. ऑनरेबल मेंबर्स, ऑन 9th फरवरी एट 7:43 PM आई गेट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयंत चौधरी. ही सेज, रेस्पेक्टेड सर, एज यू ऑल आर अवेयर, चौधरी चरण सिंह हैज बीन बेस्टोड अपॉन विद भारत रत्न एंड दिस इज अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर माई फैमिली एंड द होल किसान कम्युनिटी दैट ही फोट फॉर. आई रिक्वेस्ट यू, ही इज राइटिंग टू मी, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ कपल ऑफ मिनट्स इन द पार्लियामेंट टुमारो टू थैंक द गवर्नमेंट एंड द नेशन फॉर बेस्टोइंग दिस अवार्ड एज एन ऑनर टू हिज लेगेसी विद थैंक्स. नाउ प्लीज डोंट इंटर. नाउ इन दिस हाउस देर हैव बीन नंबर ऑफ ओकेजन्स विद इंडिविजुअल मेंबर्स ऑल्सो विच आई हैव रिकग्नाइज्ड विदाउट लुकिंग एट द रूल. वी हैव ऑनर्ड आवर साइंटिस्ट फॉर इसरो, we have honored our players, we have honored everyone who has brought laurel to this nation. Now imagine my plight, leader of the opposition questioning me under which rule I want that someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bill. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, no. No, no, not on this. No, I will not. I will not accommodate on this. I will not accommodate on this. Chaudhary Charan Singh stands for impeccable public life, unimpeachable integrity, unflinching commitment to farmer, दूरदर्शी सोच था उनका किसान और गांव के लिए. उनके विषय के ऊपर विवाद करना, प्रमोद जी आप किस हालत में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, इतना लंबा राजनीतिक जीवन आपका है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और पूरा भारत रहा है, उनको भारत रत्न मिला हो, इस विषय पर इस सदन में मेरे यहां बैठे हुए इस प्रकार का वातावरण हो? बोलिए. पहली बात, लेट अस हियर हिम. मैं पहली बात सर बहुत श्रद्धा के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिन तीन शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा. सर आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए. आई डोंट वांट एनी कवर अप. आई हैव सीन विद माय आईज, आई हैव सीन रकस, कियोस, शाउटिंग, स्लोगनियरिंग, condemnation. I've seen it with my eyes. मुझे अपनी बात तो कहने दें. आप point of order raise कीजिए. Don't make a speech. Sir, point of order. Sorry, honourable members. Short duration discussion. Leader बोले. No, sir. I'm not giving. Nothing will go on record. Nothing will go on record, Jairam Ramesh. No, nothing will go on record. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I read it because you virtually insulted Chaudhary Charan Singh. You insulted his legacy. You have no time for Bharat Ratan Chaudhary Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो. चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना,
आवर हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग, आई गिव फ्लोर टू जैन चौधरी, प्लीज कंक्लूड योर ऑब्जर्वेशन। यस प्लीज, नथिंग, नो नो प्रमोद, प्रमोद जी प्लीज हेल्प मी। नो सभापति जी, नो नथिंग एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट सर, आई हैव टेकन अ स्टैंड, ओनली जैन चौधरी विल कंप्लीट आफ्टर ही कंप्लीट्स, सॉरी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जैन चौधरी प्लीज। सभापति जी नहीं सुन, आज मैं आई हैव गिवन प्रमोद जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सम्मानित प्रमोद जी इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूँ। आपने मेरी ही नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक उनके चरित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के मान्य सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जैसे, इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर, चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूँ उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है, गाँव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है, देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया भारत रत्न देकर, हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है।
और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूँ। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज़ को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नोटिसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर्स टू रेज अ डिस्कशन ऑन द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी लेड